Hello students and welcome to E-Tuition's Education for Better Tomorrow. I am Devashmita and I am here to teach you English. So, today we are going to read a chapter from your class 7 book, the chapter number 2, and the name of your chapter is The Gift of Chappals. Okay, so from the title head, you can just guess that it is something about the daily life slippers, or you can say the footwear you are wearing or your chappals, right? Okay, so let's see ki story mein kya hota hai. A smiling Rukmani threw open the door. So now the scene is ki रुकमणी का घर का दरवाज़ा रुकमणी खोलती है विथ अ वेरी लवली स्माइल. ओके, रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस एंड नाउ मीना एंड रवि हु आर ब्रदर एंड सिस्टर जस्ट केम आउट एंड स्टार्टेड पुलिंग योर मृदु इनसाइड द हाउस. ओके, जब आपके घर पे आपके कजिन्स आते हैं आप कितने खुश हो जाते हो कि कम ऑन गेट इनसाइड द हाउस. सो यू टेल दैट एंड यू पुल योर कजिन्स इनसाइड. सो सिमिलरली रवि एंड मीना वेर सो हैप्पी टू सी मृदु एंड रवि स्टार्टेड पुलिंग मृदु आउट ऑफ एक्साइटमेंट इनसाइड द हाउस. ओके, अच्छा वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. एंड नाउ वो बाहर से आई है, जूता वगैरह उसने पहना हुआ है. सो नाउ शी इज टेलिंग अरे वेट वेट वेट, लेट मी पुट आउट माई स्लीपर्स. ओके, देन आई विल गेट इनसाइड द हाउस, राइट? ओके, सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस एंड नाउ मृदु हैज केप्ट हर स्लीपर्स नियर अ लार्ज ब्लैक पेयर ऑफ स्लीपर्स. ओके, those were grey actually with dust and that black color slipper, the large ones, it was actually very dusty and it was completely grey, right? out of dust, मतलब पूरा धूल वूल पड़ के वो black color उसका पूरा completely grey color में change हो गया था. you could see the clear mark of every toe on the front of each slipper and when you wear a footwear for a long period of time so you can see that there are marks of your toes over the front side of your footwear. ठीक है, आपका जो slippers होता है, so you can see in the picture that in this slippers you can see that these are your footmarks, right? ये जो है ये सब आपके फुट मार्क्स है. ये जब ज़्यादा टाइम आप मतलब जो यूज़ करते हो ना स्लीपर्स, तो ये ऐसे दाग बन जाते हैं. ठीक है, सो यू आर क्लियर? ओके, द मार्क्स ऑफ टू बिग टोज वेर लॉन्ग एंड स्क्राउनी एंड नाउ यू सी हियर द फुट द लार्जेस्ट टो. ओके, सो ये वाला जो टो है वो ना लंबे थे एंड स्क्राउनी मतलब इट वॉज वेरी थिन. ओके, द मीनिंग ऑफ स्क्राउनी इज इट इज वेरी थिन, राइट? ओके, मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हू स्लीपर्स दे वेयर एंड नाउ मृदु के पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो बैठ के सोचे कि ये किसके स्लीपर्स हैं. ओके, बिकॉज यू नो रवि वॉज टू बिजी इन पुलिंग हर इनसाइड द हाउस एंड शोइंग हर समथिंग, राइट? बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैक यार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. ठीक है, सो नाउ रवि हैज पुल्ड हर टू द बैक यार्ड ऑफ द हिज हाउस. ओके, एंड वेयर देयर इज अ बिटर बेरी बुश. ठीक है, बुश मतलब आपकी जितनी झाड़ियाँ होती है. सो ही इज पुलिंग मृदु टू दैट साइड, राइट? देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लीन्ड विथ सेकिंग एंड फिलिंग विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल्फ. सो नाउ यू सी इन द पिक्चर दैट देयर इज अ किटन इन अ हाफ पफ्ड ऑफ फुटबॉल. ओके, सो जो फुटबॉल खराब हो गया होता है वो ऐसे ही चिपक जाता है, राइट? सो वो चिपड़े हुए फुटबॉल के अंदर कुछ सैंड
या फिर रेत भरती है एंड उसके ऊपर एक छोटी सी लिटिल किटन बैठी हुई है हु वॉज लैपिंग हर मिल्क फ्रॉम अ हाफ कोकोनट शेल, जो आपके कोकोनट का शेल होता है, ठीक है, सो उससे वो ना मतलब दूध पी रही थी, राइट. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing. So now Ravi is telling that we have found this creature from just outside our house. Okay, it was mewing and mewing. जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना बिल्लियों के, वो लाइक भूख लगी होगी, कोई उसको छोड़ के चला गया होगा. So that's why it was near the gate of Ravi and it was mewing. Okay. It's a secret. Amma says Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. And now Ravi is telling ki ye ek secret hai. This is a secret. Don't tell to Pati that we have a cat. Okay. Or else she will run to our Paddu Mama's house. Okay. वो चली जाएगी. ऐसा होता है ना कि घर पे आप बहुत लोगों को pets पसंद नहीं होते हैं. Okay. जानवर पसंद नहीं होते हैं घर पे. So वो ऐसे धमकाते हैं कि अगर तुम ये बिल्ली को घर पे लेके आओगे मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी. सो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. ओके, सो अम्मा सेज दैट पाती विल लीव फॉर पद्दू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट, राइट. ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम. एंड नाउ ही इज टेलिंग कि everybody always advises that you should be kind to the animals, you should help the poor animals because they can't speak, they even if you are hurting them they can only do the meow meow or wo wo how, which kind of matlab जो भी उनका जो जैसे वो बोलते हैं, ठीक है, उसी हिसाब में वो बस दो तीन मिनट, बट उनको जो दर्द होगा वो रो नहीं सकते, बोल नहीं सकते. सो डू नॉट हर्ट देम, राइट. यू ऑलवेज हेल्प देम, एवरीबडी एडवाइसेस. बट अभी रवि बोल रहा है कि अगर हम सच्ची में उसका हेल्प करने जाएं, सो लाइक दे वुड स्क्रीम, चिल्लाते रहते हैं, हाँ घर पे क्यों लाए, ये गंदी सी बिल्ली है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, सो रवि वॉज सेइंग ऑल दिस. ओह, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि. एंड नाउ रवि इज जो मतलब नकल उतार रहा है, ओके, कि घर पे वो गंदी सी बिल्ली मत लेके आओ. सो ही इज जस्ट इम्प्रिंटिंग. ओके, ओके, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड एंड जस्ट नाउ. ओके, एंड रवि बोल रहा है कि पता है कितनी मुश्किल होती है मतलब उसके लिए तो थोड़ा सा मिल्क लेके आने के लिए. बिकॉज ऑलरेडी पाती सॉ मी विद अ ग्लास ऑफ मिल्क. ओके, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Pati, Pati, I will wash it myself. Why should I put you in trouble? And now, जब Pati ने उसका देख लिया कि उसके हाथों में दूध का कटोरा था, so Ravi has to drink. ठीक है, उसको बोलना पड़ा कि मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना है, इसीलिए like he has to drink most of it. Okay. एंड जो फिर पाती ने उनसे वो कटोरा मांग लिया कि मेरे को वापस दो, मैं धो देती हूँ. सो रवि वॉज लाइक कि रे आप क्यों साफ करोगे, आई विल डू इट माई सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट टू पुट यू इन ट्रबल. ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, आई विल डू इट माई सेल्फ. ओके, अच्छा. आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस. ओके, सो अभी रवि उसका जो उसने किया है वो उसको पूरा मृत्यु को समझा रहा है कि मैं ऐसा गया किचन में, दूध लेके आया, दूध डालने वाला था, पाती ने मेरे हाथ में देख लिया, पाती को मैंने बोला कि मेरे को भूख लगी है इसीलिए मैं दूध पी रहा हूँ, फिर पाती को भगाने के लिए मेरे को आधा से आधा बहुत ज़्यादा दूध पीना पड़ गया उससे. ठीक है, अब पाती फिर से मेरे से वो खाली कटोरा मांगने लगी तो मैंने बोला कि नहीं 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 मैं आपको क्यों परेशान करूं, मैं खुद धो लूँगा. हाँ, सो ऐसा बोल के लाइक उसके बाद मेरे को फिर से भाग के आना पड़ा बिल्ली के पास, बिल्ली को वैसे दूध देना पड़ा. उसके बाद बिल्ली को देने के बाद, दूध देने के बाद मैं वापस फिर से चला गया. ओके, एंड रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस.
पाती को शक होने से पहले मैंने उसको धो के पूरा उसके जगह पे रख दिया. ओके, नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. अब हमको कुछ और सोचना पड़ेगा ताकि हम कैसे महेंद्रन को खाना दें. राइट, ओके. महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. ओके, अब मृदु को बड़ा पसंद आ गया कि वाह, इसको महेंद्रन बोल रहे हैं. लाइक इट इज़ नॉट, हम लोग जनरली किटन्स को या फिर बिल्ली के बच्चों को क्या बोलते हैं, अरे अरे किटी 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 किटी, मतलब ऐसे ही कुछ म्याऊं फ्याऊं, ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा नाम दे देते हैं. बट महेंद्रन, इट वॉज जस्ट लाइक अ ओरिजिनल, मतलब ह्यूमन नेम. ठीक है, हम इंसानों का नाम जैसा रहता है उसी तरह का नाम था ये. सो मृदु वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड. ओके, एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मन पल्लव पुन्नई. ठीक है, एंड नाउ रवि सेइंग कि हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मन पल्लव पुन्नई. एंड आप साउथ इंडियन के साइड के नाम अगर सुनोगे तो इट वॉज जस्ट लाइक दिस. ओके, कि वो लोग पूरा हैवी हैवी नाम रखते हैं. सो नाउ ही इज ऑल्सो टेलिंग लाइक कि इस बिल्ली का पूरा नाम है महेंद्र वर्मन पल्लव पुन्नई. ठीक है, एमपी पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक. एंड नाउ ही इज टेलिंग कि अगर इसको शॉर्टकट करना चाहो तो तुम इसको एमपी पुन्नई भी बोल सकते हो. ठीक है, अच्छा. He is fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. Okay. So now Ravi is describing that see, it is a fine breed of cat. बहुत उंदा मतलब breed का cat है. And you see उसके जो जो होते हैं ना उसके hairs, उसका texture देखो कितना अच्छा है. It's just like the lion. Okay. Lion के fur जितने मतलब पूरा fluffy fluffy होते हैं ना, lions का जो बाल होता है, that's very incredible looking. ठीक है, so उस तरीके का है. एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग्स वॉज. एंड अब वो पूछता है कि एंशियंट पल्लवा किंग का जो एम्बलम था या फिर जो निशानी था वो कैसा था. डोंट यू, ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. एंड अब वो ऐसे मृदु को घूम के पूछता है कि तुमको पता है ना कि वो क्या था. एंड वो उसको दिखता रहता है कि उससे कुछ आंसर मिले. राइट, मृदु गिगल्ड. थिंक आई एम जोकिंग. Well, wait, I will show you sometimes. It is clear you don't know a thing about history. Okay, and now Ravi बोल रहा है कि अरे तुमको पता नहीं है, सब पक्का तुमको history के बारे में कुछ भी नहीं पता है. Okay, haven't been to Mahabalipuram, have you? And now Ravi is asking that, Mridu, have you ever visited Mahabalipuram? He said mysteriously, well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tathas, 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 etc., etc., etc. Fact is, Mahendran here is the descendant of that very same ancient cat. Okay, so now Ravi is explaining that तुमको क्या लगता है, तुमने कभी नहीं दिखा है ना. सो ही कीप्स ऑन मतलब ब्लैबरिंग, मतलब बोलता रहता है ये ऐसा है, ये ऐसा है, मैंने वहाँ पे दिन गया था, मैं महाबलीपुरम जब अपनी क्लास के साथ गया था मैं वहाँ पे दिखा था, मैंने ये पढ़ा था ये. सो ब्ला 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 ऐसे वो बोलता रहता है. ठीक है, अच्छा. फैक्ट इज दैट महेंद्रन हियर इज द डिसेंडेंट ऑफ दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट. एंड नाउ रवि इज डिमांडिंग दैट ये जो महेंद्रन है, जो वो छोटा सा किटन है, वो उसी पल्लव किंग का डिसेंडेंट है, वो उसी के खानदान से है. ठीक है, रॉयल फैमिली, ए क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नॉन अदर देन द लायन, द पल्लव लायन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग.
ओके. सो ना रवि इज़ वेरी एक्साइटेड दैट ये तो पक्का वही वही वाला एम्ब्लेम का जो मतलब जो लायंस का जो फैमिली मेम्बर्स था ये उसी कैट वही कैट है, वही पल्लवा किंग का कैट है पक्का, आई एम श्योर ऑफ इट. ठीक है, एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट इन एंशंट इजिप्ट. एंड नाउ रवि इज अगेन एडिंग अनादर डिटेल दैट इन इजिप्ट एंशंट टाइम में, इजिप्ट में क्या होता था, बिल्लियों की पूजा होती थी. ओके, हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स. वॉट डज द दैट हैव टू डू विथ एनी थिंग, मृदु डिमांडेड. ठीक है, अब ये तो रवि बोले जा रहा है, बोली जा रही है, बोले जा रहा है. सो नाउ मृदु इज़ लाइक कि ओ माई गॉड ही इज़ सो मच, मतलब उसका खुद का वॉइस, उसका खुद का ज्ञान उसको कितना प्यारा है, देखो बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है. ठीक है, सो नाउ मृदु इज क्रॉस क्वेश्चनिंग. ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है कि क्या है इन सब का, इस बिल्ली से क्या लेना देना है. ओके, मृदु डिमांडेड, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस बेस्टेड दैट इट. सो नाउ ये रवि बोल रहा है कि मेरे को पक्का पता है वो जो इजिप्ट में जो बिल्ली जो था, ठीक है, वही है ये. ठीक है, वो इजिप्ट में जो भगवान मतलब भगवान मान के जिस बिल्लियों को पूजा किया जाता है ना, वहीं से है ये. वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेसेस वाज अ स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स. सो नाउ रवि इज एक्सप्लेनिंग दैट मेरे को पता है कि वो जो इजिप्ट में जो जो कैट्स का पूजा किया जाता है ये वही ब्रीड है, उनमें से एक ना वही मतलब पल्लवा किंग के शिप में आके घुस गया था, एंड पक्का ये उसी का मतलब वही कैट है ये पक्का, दिस इज दैट कैट ओनली. ठीक है, एंड हिज डिसेंडेंट्स वॉज महाबलीपुरम ऋषि कैट whose descendants is Ravi flourished his twig at Mahendran. M.P. Punnai here, whoop ik, he shrieked very pleased with himself. And now, वो तो पूरा डिमांड पे लगा हुआ है कि ये वही इजिप्टियन कैट है, ये पक्का वही कैट है जो महाबलीपुरम में है, ये पक्का उसी का रिश्तेदार है. सो ही इज़ वेरी हैप्पी एंड नाउ ही इज़ एक्सप्लेनिंग मृदु एवरीथिंग. ठीक है, सो ये जो आप कैट देख रहे हो ये वही कैट है. ठीक है, ही इज़ कन्विंसिंग मृदु, राइट. ओके, सो वो जो अपने हाथ में डंडा लेके वो जो घुमा रहा था बिल्ली के साथ खेल रहा था, नाउ ही पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स महेंद्र वर्मन एंड सेज दैट दिस कैट इज दैट कैट, राइट. ओके, Mahendran looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. But worse than Ravi's awful whoop eek was a critch from the window. Okay? So, अभी suddenly क्या होता है, जो महेंद्र वर्मन मतलब जो बिल्ली था वो जो अपना नाखून वगैरह शेप कर रहा था, he was just scratching. Okay? सो वो सडनली इतना अलार्म हो जाता है. सो नाउ द नैरेटर इज सेइंग दैट रवि का वॉइस, वो जो ईक जो आवाज़ था वो बहुत मतलब क्रिंजी था, राइट. बट उससे भी क्रिंजी एक नॉइज उसको सुनाई देता है फ्रॉम द विंडो फ्रॉम विच द किटन गेट्स स्केयर्ड. ओके, वॉट अ वियर्ड साउंड. इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स. Hair standing on the end and bounced up and scurried towards the bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Okay, अब वो जो छोटी सी बिल्ली है वो डर गई है, उसके पूरे बाल बाल खड़े हो गए हैं. पिक्चर में देखो कैसा वो बिल्ली डर गई है, उसके बाल बाल खड़े हो गए हैं. सो सिमिलरली दैट स्मॉल किटन वॉज वेरी स्केयर्ड एंड नाउ ही जस्ट रेंड अप टू द रूफ. ठीक है, वो छत पे चढ़ गई डर के, जहाँ पे मतलब वो जो बैम्बो के बास्केट में बहुत सारे चिलीज जो हैं या फिर आपके बोल सकते हो मिर्ची, लाल मिर्ची सुखाने पे रखा गया था. आपके घर पे भी होता है ना कि जब मतलब मिर्ची वगैरह गांव में होता है बेसिकली कि मिर्ची वगैरह सुखाना होता है ना, सो दे पुट इट आउट ऑन द बैम्बो बास्केट्स. ओके, जो बैम्बो के बास्केट्स होते हैं उसमें ले आते हैं एंड उसको फिर से छत के ऊपर सुखा देते हैं, राइट. ओके,
Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. And खुद को छुपाने के चक्कर में उस बिल्ली ने क्या किया, कुछ चिलीज अपने ऊपर, मतलब पूरा चिलीज का जो मतलब बास्केट है उसके अंदर वो घुसे जा रहा है. ओके अच्छा. द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन. व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु. दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि. एंड नाउ मृदु बोली, कैसा आवाज़ आ रहा है, कैसा शोर आ रहा है. सो नाउ रवि इज टेलिंग दैट इट इज दिस नॉइज इज फ्रॉम लाली हु इज लर्निंग टू प्ले वायलिन. ओके सो नाउ वो रवि एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये लाली के वायलिन से है, वो सीख रही है वायलिन. ओके शी विल नेवर लर्न अ थिंग. द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन व्हाइल लाली इज ऑल द टाइम डीरेलिंग गोइंग कम्प्लीटली आउट ऑफ ट्रैक. ठीक है सो यहाँ पे रवि बोल रहा है कि ये जो मास्टर और ये जो लाली है ये दोनों ऐसे ही रहेंगे. ठीक है मास्टर उसको सिखाते जाएगा. मास्टर हमेशा पूरा रिदम में पूरा प्ले करता है और ये जो लाली है ये हमेशा पूरा यूजलेस रिदम में उसको प्ले करते जाता है. ठीक है सो दिस वाज द पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है which we have read in this lesson. So we will read the next part in our next video. So that's all for today's video. And if you like the video, please like, share and comment. And do not forget to subscribe our channel. And do not forget to download the eTuitions application from the Play Store because we provide quality education for CBSE and BSE. Thank you.